इस कहानी की शुरुआत में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि गहरी नींद में सपना देख रहा होता है, मगर तभी उसकी माँ आकर उसे जगा देती है। देर तक सोने की वजह से नोबिता स्कूल के लिए लेट हो जाता है, जिससे उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तभी उसके दोस्त सुनियो और जियान उसे तंग करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ शिजुका आ जाती है जो उन्हें नोबिता को तंग करने से मना करती है। नोबिता पढ़ाई और खेल कूद में भी कमजोर होता है। फिर हमें फ्यूचर में शिवाची को दिखाया जाता है जो नोबिता का 22वीं सदी का पर पोता होता है, जो कि उसे हर दिन अपने केट रोबोट डोरेमोन के साथ देख रहा था। शिवाची डोरेमोन के साथ एक टाइम मशीन की मदद से पास्ट में पहुंच जाता है। टाइम मशीन नोबिता के डोर में खुलती है। नोबिता ये देखकर काफी डर जाता है। डोरेमोन उसे बताता है कि मैं एक रोबोटिक बिल्ली हूँ। साथ ही शिवाची भी बताता है कि मैं आपका पर पोता हूँ और हम फ्यूचर से आए हैं। नोबिता को कुछ समझ में नहीं आता और वो दराज में अपनी चीजें देखता है, मगर वहाँ टाइम पोर्टल खुला हुआ था। डोरेमोन उसे बताता है कि डोर की सारी चीजें मेरे 4 डायमेंशनल पॉकेट में है। नोबिता शिवाची और डोरेमोन के लिए डोरा केक लाता है, जिसे खाकर डोरेमोन काफी खुश हो जाता है, मगर नोबिता को समझ नहीं आता कि वो तो इतना छोटा है तो उसके पोते कैसे हो सकते हैं। शिवाची नोबिता को उसका फ्यूचर बताता है कि उसकी शादी 19 साल बाद होगी। यह सुनकर नोबिता काफी खुश हो जाता है और अपने फ्यूचर के बारे में और पूछता है। तो शिवाची नोबिता की शादी की तस्वीर दिखाता है, जिसमें नोबिता की शादी जेको से हुई है। जेको जियान की बहन होती है। नोबिता यह सब देखकर गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन शिवाची नोबिता से कहता है कि आप गुस्सा मत कीजिए और आप ऐसे आलसी रहे तो भविष्य में आपको कोई भी नौकरी नहीं देगा, इसीलिए आप खुद की कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन उसमें भी आग लग जाएगी जिससे आप बिजनेस लोन नहीं चुका पाएंगे और वो लोग आपको परेशान करेंगे और इसी वजह से आज तक हम भी गरीब हैं। ये सब देखकर नोबिता दुखी होता है और शिवाची से माफी मांगता हुआ कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। लेकिन शिवाची कहता है कि अभी भी ये सब बदल सकता है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन नोबिता की मदद के लिए डोरेमोन तैयार नहीं होता, क्योंकि वो पास्ट में नहीं रहना चाहता। शिवाची उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तो शिवाची डोरेमोन के नाक वाले बटन को प्रेस कर देता है, जिससे डोरेमोन फ्यूचर में नहीं जा पाएगा जब तक कि नोबिता की सारी परेशानियां दूर नहीं हो। डोरेमोन शिवाची पर गुस्सा करता है। शिवाची नोबिता को बताता है कि अब से डोरेमोन आपकी मदद करेगा और अगर ऐसा नहीं करता तो वापस फ्यूचर में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसमें एक प्रोग्राम सेट कर दिया है जिससे कि डोरेमोन अगर वापस से जाने की कोशिश करेगा तो उसे करंट लगेगा। ये कहकर शिवाची फिर से फ्यूचर में चला जाता है। डोरेमोन फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और उसे जोरदार करंट लगता है। डोरेमोन नीचे गिर जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता की मदद करने के लिए अपने पॉकेट में से एक गैजेट निकालता है, जिसका नाम बेम्बू कॉप्टर होता है। नोबिता उस बेम्बू कॉप्टर को पहन लेता है और डोरेमोन उसे विंडो से बाहर धक्का दे देता है। लेकिन नोबिता उस कॉप्टर की वजह से हवा में उड़ने लगता है, पर नोबिता को उससे उड़ना नहीं आता और वो इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन नोबिता आलसी होने की वजह से हवा में ही सो जाता है, मगर नोबिता कुछ ही देर में कॉप्टर को उड़ना सीख जाता है और वो शिजुका के घर उसे सरप्राइज देने जाता है, लेकिन वो सो चुकी थी। डोरेमोन को भी शिजुका पसंद आती है। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि वो भी शिजुका को पसंद करता है। फिर वो घर आ जाते हैं, जहाँ डोरेमोन उसे बताता है कि जल्दी शिजुका उसकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, और ये सुनकर नोबिता काफी खुश हो जाता है। अगली सुबह नोबिता हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, तो डोरेमोन नोबिता को अपने पॉकेट में से एनीवेयर डू निकाल कर देता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना हो वहाँ का नाम लेकर दरवाजा खोलो, और ऐसा करने से नोबिता स्कूल जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन नोबिता को स्कूल में जल्दी देखकर सभी हैरान होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट में से नोबिता को मेमोरी ब्रेड खिलाता है, जिससे उस ब्रेड पर जो भी लिखा होता है वो उसे याद हो जाता है। ऐसा करने से नोबिता जियान से ज्यादा नंबर लेकर आता है, और इसी तरह डोरेमोन के गैजेट की मदद से वो सारे काम जल्दी से कर लेता है। लेकिन शिजुका, जो कि नोबिता की क्लासमेट होती है, वो उसके क्लास के एक लड़के से बात कर रही होती है, जिसका नाम डेकिसुकी होता है। नोबिता को डेकिसुकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नोबिता से हर काम में अच्छा होता है। इसीलिए नोबिता परेशान होकर डोरेमोन से कहता है कि तुम चाहे कोई भी गैजेट का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, फिर भी तुम मुझे डेकिसुकी से अच्छा नहीं बना सकते। डोरेमोन को इससे गुस्सा आ जाता है और अपने पॉकेट में से एक ऐसा गैजेट निकालता है जिससे शिजुका उसी की फ्रेंड बनेगी, और उस गैजेट का नाम एम
इम्प्रिंटिंग एग होता है। डोरेमोन बताता है कि जो भी इस एग के अंदर 15 मिनट तक रहेगा और वो जैसे ही बाहर आएगा और जिसको भी सबसे पहले देखेगा वो उसका ही बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। नोबिता एग को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो शिजुका को उसमें डाल सके, लेकिन एग काफी भारी होता है इसीलिए नोबिता उसे छोड़ देता है और वो एक सड़क पर लुढ़कते हुए जियान से टकरा जाता है, जिससे जियान उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो 15 मिनट बाद बाहर आता है तो सबसे पहले सुनियो को देखता है, जिससे उसे पसंद करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं ये सब डोरेमोन और नोबिता भी देख रहे होते हैं। डोरेमोन नोबिता को एक का इस्तेमाल करने से रोकता है लेकिन नोबिता नहीं सुनता, इसीलिए डोरेमोन शिजुका को एक गैजेट की मदद से उस अंडे में बंद कर देता है। लेकिन नोबिता को सुनियो बुला लेता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। वहीं डेकिसुकी शिजुका के घर जाता है लेकिन वो डोरेमोन के गैजेट की वजह से नोबिता के रूम पहुंच जाता है, जहां शिजुका डेकिसुकी को देख लेती है और उसे प्यार करने लगती है। ये देखकर नोबिता काफी परेशान होकर रोने लगता है तो डोरेमोन उसे बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि तुम इस गैजेट का इस्तेमाल मत करो। डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि सारे काम वो गैजेट से नहीं कर सकता, कुछ काम उसे खुद करने होंगे। और नोबिता ये सब सुनकर काफी मेहनत करता है और उसे लगता है कि इस बार टेस्ट में उसके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और इस बार भी टेस्ट में 0 मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि नोबिता मैथमेटिक्स टेस्ट की तैयारी करता है लेकिन उसका टेस्ट इंग्लिश का था। इसी वजह से नोबिता रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि या तो उसका स्कूल बदल दे या उसे दूसरे देश भेज दे, लेकिन नोबिता की माँ ऐसा करने से मना कर देती है। अब नोबिता काफी परेशान होता है इसीलिए नोबिता शिजुका से दूर रहने की कोशिश करता है और उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन शिजुका नोबिता से इग्नोर करने की वजह पूछती है, लेकिन नोबिता कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए शिजुका नोबिता का रास्ता रोक लेती है। नोबिता उससे बात नहीं करना चाहता इसीलिए वो शिजुका की स्कर्ट को ऊपर उठा देता है और ऐसा करने की वजह से शिजुका नोबिता को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जब शिजुका उसके घर पर जा रही होती है तब रास्ते में वो जियान और सुनियो की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नोबिता के टेस्ट में 0 नंबर आए थे इसीलिए वो परेशान था। और ये सब सुनकर शिजुका नोबिता के घर जाती है लेकिन नोबिता उससे नहीं मिलना चाहता, इसीलिए वो डोरेमोन से मदद मांगता है ताकि शिजुका उससे दूर रहे। डोरेमोन उसे एक ड्रिंक देता है लेकिन नोबिता उसे पूरा पी जाता है, जिस वजह से एक गैस निकलती है और सब नोबिता से दूर भाग जाते हैं। लेकिन ड्रिंक को ज्यादा पीने से नोबिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए नोबिता मदद के लिए चिल्लाता है। नोबिता की मदद के लिए शिजुका हिम्मत करके उसके पास जाती है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में लेकर जाती है, जहां नोबिता को उल्टी होती है और फिर वो पहले से बेहतर फील करता है और अब उस दवा का असर खत्म हो जाता है। लेकिन शिजुका उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और दोनों रोने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन नोबिता को उसका भविष्य बताता है। वो नोबिता को एक तस्वीर बताता है जिसमें शिजुका एक छोटे बच्चे को मार रही होती है और वो बच्चा दिखने में नोबिता की तरह होता है, और यह देखकर नोबिता समझ जाता है कि फ्यूचर में उसकी और नोबिता की शादी होगी, जिससे वो खुश होता है। लेकिन जब नोबिता शिजुका को डेकिसुकी के साथ एक स्कूल प्ले की प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे उसके फ्यूचर की चिंता होती है, इसीलिए डोरेमोन नोबिता को टाइम टीवी में उसका फ्यूचर 14 साल बाद का बताता है। लेकिन फ्यूचर में भी नोबिता पास्ट के जैसा आलसी होता है। शिजुका नोबिता से माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में उसके साथ चलने को पूछती है, मगर उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। नोबिता डोरेमोन से फ्यूचर का फास्ट फॉरवर्ड करने को कहता है और वो देखते हैं कि शिजुका बर्फ के पहाड़ों में अकेली होती है, क्योंकि वो बर्फीले तूफान में अपने दोस्तों से अलग हो गई थी। नोबिता ये सब देखकर उसकी मदद करने की सोचता है और वो डोरेमोन से टाइम क्लॉथ लेता है, जिसकी मदद से वो 14 साल बाद जितना बड़ा हो जाता है, जिससे वो फ्यूचर में जाने के लिए तैयार था। नोबिता फ्यूचर में जाने के लिए डोरेमोन को धक्का देता है, लेकिन ऐसा करने से डोरेमोन नोबिता को मना करता हुआ कहता है कि टाइम मशीन का इस्तेमाल करके तुम अपने भविष्य को बदल दोगे और ये जरूरी नहीं कि बदलाव हमेशा अच्छे हो, लेकिन नोबिता नहीं सुनता, इसीलिए टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में चला जाता है और अकेला ही एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका के पास पहुंच जाता है ताकि वो खुद ही शिजुका को बचा पाए। नोबिता देखता है कि शिजुका बर्फीले तूफान में अकेली होती है। नोबिता उसके पास जाता है, शिजुका उसे देखकर हैरान होती है। नोबिता उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। नोबिता और शिजुका जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं।
वही हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से नोबिता की माचिस गीली हो जाती है तो दो लकड़ियों को आपस में रगड़ कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। शिजुका उसे बताती है कि मेरे पास लाइटर है, फिर वो आग जला लेते हैं। बर्फ की वजह से नोबिता के कपड़े गीले होते हैं और इस वजह से उसे ठंड लगती है। शिजुका अपने बैग में से उसे कंबल देती है जो कि काफी गर्म होता है, लेकिन बर्फ में ज्यादा देर तक रहने से शिजुका की तबीयत खराब होती है और वो नोबिता से कहती है कि तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हाँ है, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। नोबिता मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, तो नोबिता शिजुका को एनीवेयर डोर के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तूफान के कारण नोबिता को गेट दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ था। शिजुका के हैंड वॉच में से आवाज आती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अगर वो ऐसे बर्फ में रही तो मर जाएगी। नोबिता को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो शिजुका की घड़ी में देख कर समय और साल याद कर लेता है, जिससे उसे याद आता है कि अगर वो फ्यूचर में आया है तो फ्यूचर नोबिता को भी पता होगा कि अभी शिजुका की जान खतरे में है, और वो फ्यूचर नोबिता को आवाज देता है। और तभी वहाँ पर बड़ा नोबिता एक एयर बाइक लेकर आ जाता है और शिजुका की ऑक्सीजन लगाकर तीनों घर चले जाते हैं। फ्यूचर नोबिता शिजुका को हॉस्पिटल छोड़कर पास्ट वाले नोबिता के पास आ जाता है और कहता है कि शिजुका बिल्कुल ठीक है। तभी नोबिता डोरेमोन को देखता है और स्माइल करता है, लेकिन जब छोटा नोबिता उससे मिलने को कहता है तो मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। छोटा नोबिता उसे कहता है कि शिजुका ने उसे एक सवाल के जवाब में हाँ कहा था, और ये सुनकर बड़ा नोबिता खुशी की वजह से बाइक से गिर जाता है और झूमने लगता है, और नोबिता को बताता है कि मैंने शिजुका से सवाल पूछा था कि क्या वो हमेशा मेरी दोस्त रहेगी, और उसने जवाब में हाँ कहा है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी छोटा नोबिता और डोरेमोन भी खुशी से झूमने लगते हैं। हमें कहानी में दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन उसका भविष्य देखने के लिए बड़े नोबिता के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन फ्यूचर की दुनिया में वो सही से उड़ नहीं पाते और इधर उधर टकराते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े नोबिता का पीछा कर लेते हैं। वही वो देखते हैं कि नोबिता अपने फ्यूचर में जान सुनियो और डेके सुकी के साथ पार्टी करता है, लेकिन हमेशा की तरह नोबिता का मजाक बनाते हैं। वही नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं, जहाँ शिजुका अपने पापा के रूम में होती है और उन्हें बताती है कि उनसे दूर नहीं जाना चाहती, तो उसके डैड उसके पैदा होने की कहानी सुनाते हैं। और जब शिजुका उनसे पूछती है कि उसे किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए, तो उसके पापा बताते हैं कि नोबिता तुम्हारी हमेशा फिक्र करता है और उसने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए जिससे तुम हमेशा उसके साथ खुश रहोगी। वही नोबिता और डोरेमोन पास्ट में वापस आ जाते हैं और नोबिता शिजुका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और शिजुका से प्रॉमिस करता है कि उसका हमेशा अच्छा दोस्त बनकर रहेगा। ये कहकर नोबिता खुशी से हवा में झूमने लगता है, लेकिन डोरेमोन का मिशन पूरा हो जाता है और नोबिता की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इसीलिए डोरेमोन को 48 घंटे में वापस फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि शिवाची ने उसे इसी तरह प्रोग्राम किया था। ये सुनकर डोरेमोन नोबिता को याद करते हुए रोने लगता है और उसकी कुछ कमियां बताता है और वो सोचता है कि नोबिता उसके बिना कैसे रहेगा। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अब जाने वाला है। ये सुनकर नोबिता रोने लग जाता है। तभी नोबिता के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि डोरेमोन को जाने दे, वो हमसे कभी कभी मिलने आया करेगा, लेकिन डोरेमोन को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो फिर से पास्ट में वापस कभी नहीं आ सकता, लेकिन नोबिता उसे नहीं जाने देता। ये देखकर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि वो भी यहाँ रुकना चाहता है, लेकिन तभी डोरेमोन को एक शौक लगता है और वो टाइम मशीन से प्रॉमिस करता है कि वो वापस फ्यूचर में चला जाएगा। डोरेमोन नोबिता से प्रॉमिस मांगता है कि अगर जियान और सुनियो से परेशान करेंगे तो उसका सामना करेगा, लेकिन नोबिता उसे प्रॉमिस नहीं करता और बाहर चला जाता है जहाँ उसे जियान मिलता है और उसे परेशान करता है, लेकिन नोबिता जियान से लड़ने का फैसला करता है। तभी जियान उसे एक मुक्का मारता है और नोबिता नीचे गिर जाता है, और बहुत पीटने के बाद भी नोबिता हार नहीं मानता। डोरेमोन नोबिता को लेकर परेशान होता है और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन की मदद नहीं लेता और अकेला ही नोबिता जियान से लड़ता है और जियान को हरा देता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वो घर जा सकता है और उसकी फिक्र ना करे। हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अगले दिन नोबिता अकेले ही स्कूल के लिए जाता है क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर में जा चुका होता है, इसलिए
डोरेमोन सुनियो और जियान नोबिता के साथ मजाक करते हैं और उसे जियान बोलता है कि उसने डोरेमोन को देखा है। नोबिता दौड़कर अपने रूम में जाता है मगर डोरेमोन वहाँ नहीं होता। नोबिता को लगता है कि डोरेमोन उससे छिप रहा है, इसीलिए वो गुल्लक से पैसे निकाल कर डोरा केक लेने जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि जियान ने उसके साथ मजाक किया है और वो गुस्सा होकर घर आ जाता है और डोरेमोन को मिस करके रोने लगता है। तभी नोबिता को डोरेमोन का एक गैजेट याद आता है जो कि उसे डोरेमोन ने दिया था, लेकिन नोबिता उस गैजेट को एक बार यूज कर पाएगा। गैजेट डोरेमोन की तरह होता है और नोबिता गैजेट का नाक दबा देता है और उसमें से एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड का नाम लायल लायल लिक्विड होता है, जिसे पीने के बाद नोबिता जो बोलता वो झूठ हो जाता है। इसीलिए नोबिता उस लिक्विड को पीकर जियान और सोनियो को परेशान करता है और अपने घर आ जाता है। नोबिता उस लिक्विड को पीने के बाद डोरेमोन कभी नहीं आएगा ऐसा कहता है और डोरेमोन वापस आ जाता है, क्योंकि उस लिक्विड को पीकर जो भी नोबिता बोलता है वो झूठ हो जाता है। इसीलिए डोरेमोन वापस पास्ट में आ गया। नोबिता उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और डोरेमोन से गले मिलता है और वो कहता है कि अब से मैं और डोरेमोन हमेशा साथ नहीं रहेंगे, डोरेमोन हमें छोड़कर जाएगा। ये कहकर दोनों बहुत खुश होते हैं ताकि ये सब उल्टा हो जाए और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।